हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एट योर डोरस्टेप। दिस इज चारुल एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर सीरीज ऑन पॉल्यूशन। बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि पॉल्यूशन होता क्या है। सो गाइस, पॉल्यूशन दो तरह से हो सकता है। एक तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा कंपोनेंट ऐड हो जाए, जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर केमिकल कंपाउंड, जो कि हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड करते, तो ऐसे कंपोनेंट को क्या बोला जाता है? पोल्यूटेंट। एंड अगर वो हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाता है तो उसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है। मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी पोल्यूटेंट हमारे एनवायरनमेंट में ऐड हो जाता है, सॉइल में ऐड हो जाता है, वाटर में या फिर एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? पोल्यूशन। तो गाइस, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट हो जो कि बेसिकली एक लेवल तक ही परमिटेड है, तो जैसे ही उस कंपोनेंट की क्वांटिटी उस परमिट लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा? हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग उस कॉम्पोनेंट को पोल्यूटेंट बोल देंगे एंड उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने को क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन। गाइस, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पोल्यूशन होने की वजह से होता क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। जैसे कि गाइस, अगर हम लोग बात करें आर्सेनिक की, तो जैसे ही वो हमारे वाटर में ऐड हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन जो फ्लोराइड होता है वो बेसिकली एक परमिट लेवल तक ही होना चाहिए। जैसे कि जो फ्लोराइड होता है उसकी क्वान्टिटी नियरली 1.5 PPM होनी चाहिए हमारे पानी में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन जैसे ही उसकी क्वांटिटी 1.5 PPM से ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा? हमारा जो वाटर है वो बेसिकली पोल्यूट हो जाएगा। तो जो आर्सेनिक है वो क्या हो गया है? क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। एंड जो हमारा बेसिकली फ्लोराइड है, दैट इज़ बेसिकली द क्वांटिटेटिव। सो गाइस, इस पूरी लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करेंगे कि पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द पोल्यूटेंट्स के बारे में, जैसे कि क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। उसके बाद बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में। सो गाइस, बहुत तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ तो होते हैं जो कि बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों की तरह होते हैं, मतलब पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। आपने सुना होगा PM 2.5 और PM 10 के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स के बारे में। सो गाइस, कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में वैसे ही पड़े रहते हैं जैसे कि वो रिलीज हुए थे, लेकिन जो कुछ की जो गैस फॉर्म है वो बेसिकली चेंज हो जाती है। तो उसकी बेसिस पर हम लोग पोल्यूटेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। उसके बाद बात करेंगे नेचुरल एंड द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन के बारे में। सो गाइस, उसके बाद देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड द नॉइस पोल्यूशन। उसके बाद आपको पता होगा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में। उसके बाद गाइस बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। एंड उसके बाद गाइस हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, आपको एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी मिलने वाली है कि कौन सा पोल्यूशन कैसे होता है, किस तरह के पोल्यूटेंट्स के कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं सो दैट हम लोग पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि अगर पोल्यूशन हो जाता है तो इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है एंड ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। सो गाइस, होगा क्या? अगर कोई भी पोल्यूटेंट हमारी एयर में ऐड हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एयर पोल्यूशन। अगर वाटर में ऐड होगा तो उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। सॉइल में ऐड होने पर सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन गाइस, होता क्या है, अगर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा साउंड होती है, उसकी जो वॉइस है, इंटेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसे भी बेसिकली हम लोग पोल्यूशन में इंक्लूड करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा रेडिएशंस आ जाएं। कुछ रेडिएशंस तो बेसिकली नेचुरल होती हैं, जिन्हें हम लोग इंसुलेशन बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बोलते हैं, लेकिन कभी कभी रेडिएशंस की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से भी पोल्यूशन हो जाता है, जिसे बेसिकली हम लोग रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का नाम दे देते हैं। सो गाइस, जो भी गैजेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि शायद अभी आप मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे, दैट इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये ख़राब हो जाएंगे या फिर आपका इनसे मन भर जाएगा तो आप इन्हें बेसिकली वेस्ट कर देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन गाइस, होता क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, इनमें बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं,
अगर ये हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमें कैंसर हो सकता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे हार्म पहुंच सकता है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो बहुत तरह के सॉलिड वेस्ट होते हैं, जैसे कि कुछ तो होते हैं जो कि हमारे घरों से निकलते हैं, कुछ होते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। ऐसे ही वाटर पोल्यूशन में भी कुछ पानी तो हमारे घरों से निकलता है, कुछ इंडस्ट्री से निकलता है। एंड गाइस होता क्या है, अगर जो गर्म पानी होता है वो हम लोग वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर की BOD है, CO2 है, वो बेसिकली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है। तो गाइस ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इस पूरी लेक्चर सीरीज में पता चलेगा। सो गाइस इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि गाइज इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज।